देखो अगर आप 2 से 3 मिनट इस वीडियो पे दे दोगे ना तो आप एक इंस्टाग्राम आईडी बनाना सीख जाओगे, वो भी प्रोफेशनल, जिसके माध्यम से आपका हर एक रील वायरल भी होगा और आपका फॉलोअर भी इंक्रीज होगा। लेकिन आपको सही तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना होगा, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में चले जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद जो इंस्टाग्राम ऐप है ना, उसको अपडेट कर लेना, ठीक है। अगर अपडेट नहीं करोगे तो आप एक अकाउंट नहीं बना पाओगे प्रोफेशनल तरीके से, आपको अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद देखो यहाँ पे आएगा ओपन के ऑप्शन, तो ओपन पे क्लिक कर देना। तो देखो नीचे लिखा है क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने देखो यहाँ पे आ गया फोन नंबर डालने का ऑप्शन। आप क्या करना, आप यहाँ पे फोन नंबर डाल देना, वो फोन नंबर जो फोन नंबर से पहले से कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं बना हुआ है, ठीक है। या फिर दोस्तों अगर आप चाहते हो कि नहीं हम फोन नंबर से नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे ईमेल आईडी से, वो भी आप लोग बना सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है साइन अप विथ ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे आ गया है ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी को डाल देना। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक कॉन्फर्मेशन का कोड आएगा। तो आप क्या करना, अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे तो आपका ईमेल आईडी पे एक कोड जाएगा। अगर दोस्तों आप फोन नंबर डालोगे तो आपका फोन नंबर पे एक कोड जाएगा, ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी डाल देना। सेम प्रोसेस है, जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाला तो मेरा ईमेल आईडी पे एक कोड गया, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरे को क्या करना है, ये कोड को कॉपी करना है, कॉपी करके मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है। देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट की ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्रिएट ए पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना होगा अपने इंस्टाग्राम आईडी के लिए, जो इंस्टाग्राम आईडी अभी बना रहे हो, ठीक है, उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे सेव और नॉट नाउ की ऑप्शन आएगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपके सामने देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आ गया। तो आप क्या करना, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। डालने के बाद देखो नीचे सेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जब क्लिक करोगे आपके सामने यूजर नेम का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको नाम डालना है, जैसे मेरा इंस्टाग्राम का नाम क्या है, सुभोपाल। वैसे ही दोस्तों आप लोग जो भी नाम रखना चाहते हो वो नाम यहाँ पे रख देना। तो मैं अपने नाम को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना नाम यहाँ पे रख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो यहाँ पे आ गया क्रिएट ए यूजर नेम। आपको दोस्तों यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करना होगा, ऑटोमेटिकली एक यूजर नेम बना के दे देगा इंस्टाग्राम। आपको दोस्तों यहाँ पे चेंज करना होगा या फिर आप लोग रख भी सकते हो। यूजर नेम क्या होता है, जैसे मेरा इंस्टाग्राम का नाम क्या है, शुभपाल, और मेरा यूजर नेम का नाम क्या है, शुभपाल78। अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा शुभपाल78 तो गाइज मेरा आईडी ओपन हो जाएगा। तो यही दोस्तों काम होता है यूजर नेम का, आपको यूजर नेम बनाना होगा। तो गाइज मेरे को ये यूजर नेम ठीक लग रहा है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। आप लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिखा है आई एग्री। तो एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा एड ए प्रोफाइल पिक्चर। आपको दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगाना है। एड पिक्चर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप लोग यहाँ पे चूज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आप लोग लगा सकते हो। जैसे मैं अपना ये वाला फोटो लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरा फोटो लग गया प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो आ गया डन की ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो एक नेक्स्ट की ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अलाउ कर देना। अलाउ जब करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आ गया स्किप का एक ऑप्शन, तो स्किप के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको फिर से स्किप के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा आईडी यहाँ पे क्रिएट हो गया। देन दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से स्किप के ऊपर क्लिक करना है। इसको जब क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सारे के सारे को अनटिक कर देना, ठीक है। अनटिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो एक एरो की ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम आईडी ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये गाइस मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शुभोबाई805, जो कि आप लोग देख सकते हो मेरा यूजर नेम था और ये मेरा नाम है शुभोपाल। तो कुछ ऐसे दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम आईडी बना सकते हो एकदम सिंपल तरीके से। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा पाने के लिए। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।